चलो जी, ध्यान देंगे इधर। आज के क्लास में क्या डिस्कस करना है? टेबल। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पहला ग्रुप बताया, वो पेजेस का था, और पेजेस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन थे? उसमें था कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे? टेबल को। टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑप्शन ऑफ एमएस वर्ड। टेबल क्या है? एमएस वर्ड का एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। दैट्स हेल्प वी कैन अरेंज डेटा और रिकॉर्ड्स इनटू द टेबुलर फॉर्म, जिसकी मदद से हम लोग डेटा और रिकॉर्ड्स को टेबल के रूप में लिख सकते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है? रो एंड कॉलम में जब हम डेटा को लिखते हैं तो यही कहलाता है टेबुलर फॉर्म। हेयर ऑल द डेटा मेंटेन इनटू रो एंड कॉलम्स। यहां पर सभी डेटा जो है रो और कॉलम में मेंटेन किए जाते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं ये टेबल की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हेडिंग है नेम, सिटी, कोर्स, और उसके अंदर भरा हुआ है डेटा। इसमें से ये जो है ये क्या है? कॉलम। ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। तो यहां पर तीन कॉलम है और रो अगर देखा जाए तो कितने हैं? चार हैं। ठीक है, तो इसमें तीन कॉलम और चार रो बने हुए हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि इधर वाले को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और ऊपर से जो नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ऊपर से जो नीचे की तरफ आता है उसको बोलते हैं कॉलम। तो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। और रो एंड कॉलम से मिलकर बने बॉक्स को, जैसे ये बॉक्स है, तो रो और कॉलम के मिलने से बना है, इस बॉक्स को कहते हैं सेल। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस बॉक्स को सेल कहते हैं, इतना याद रखेंगे। चलिए, अब टेबल बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। टेबल बनाने के चार पांच तरीके हैं, सब मैं बता दूंगा एक एक करके। तो लिखा है कि सबसे पहले माउस को वहां ले जाइए जहां पर आपको टेबल बनाना है, क्योंकि जहां पर माउस रहेगा, मतलब जहां पर कर्जर आपका रहेगा, वहीं से टेबल बनेगा। उसके बाद में यहाँ टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। अब इसमें से आपको उतना दूर सेलेक्ट कर लेना है जितना दूर का आपको टेबल बनाना है, जितने रो एंड जितने कॉलम चाहिए उतना इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो सिलेक्शन है वो क्या है? 4x4 है। 4x4 मतलब चार रो चार कॉलम है। उसके बाद जितना दूर आप खींचेंगे उतना टेबल बन जाएगा। क्लिक करते ही ये टेबल जो है डॉक्यूमेंट में जुड़ जाएगा। एक और तरीका होता है विच इज इंसर्ट टेबल। इसका यूज करके आप अपनी मर्जी से रो एंड कॉलम पुट करके टेबल बना सकते हैं। एक है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ठीक है, इसका यूज करके पेंसिल से, पेंसिल आपको मिल जाएगा, उस पेंसिल से आप टेबल को खींच सकते हैं। जितना आपकी मर्जी उतना आप टेबल को पेंसिल से खींच सकते हैं। तो ये ड्रॉ टेबल होगा। एक है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में बदल देता है। लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल में बदलता है। एक्सेल स्प्रेडशीट, इसमें क्या होगा कि टेबल यहां नहीं बनेगा बल्कि एक्सेल में बनेगा और यहां पर आ जाएगा। और कुछ क्विक टेबल्स होते हैं। तो ये सारे तरीके हैं टेबल बनाने के, एक एक करके देख लेते हैं। अभी इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ये सेकेंड मेथड दिखाया गया है यहाँ पे, कि जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे ना तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो। जब आप नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो डालेंगे और ओके जब करेंगे तो आपका टेबल जो है बन के आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कैसे करना है? तो ड्रॉ करने के लिए आपको ड्रॉ वाले पे जाना है, पेंसिल मिलेगा, पेंसिल से आप जैसे जैसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे टेबल ड्रॉ होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पेंसिल से करना होता है। फिर लिखा है हाउ टू फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जब आप टेबल बना लेंगे तो उसके बाद में एक दूसरा टैब खुल जाएगा जहां से आप टेबल के लिए कलर चुन सकते हैं, उसके लिए और भी जो भी चीजें करनी है वो वहां से कर सकते हैं। आगे यहां पर, हाँ, ये दो ऑप्शन जान लीजिए। मर्ज और स्प्लिट क्या होता है? मर्ज और स्प्लिट क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए मर्ज क्या होता है। इसका यूज बहुत पड़ेगा, एक्सेल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। मर्ज का मतलब होता है कि जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हैं उनको आपस में मिक्स कर देना। दिस ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट मोर देन वन सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। इस ऑप्शन का यूज करके आप एक से ज्यादा सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए कि ये टेबल है और ये उसके रो हैं।
तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आप देख रहे हैं नीचे कॉलम्स हैं लेकिन ऊपर वाले में कोई कॉलम नहीं है, इसी को बोलते हैं मर्ज, एक में मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है। तो मर्ज का मतलब क्या होता है, मोर देन वन सेल्स को आपस में मिक्स कर देना, यही है मर्ज। सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि ये एक टेबल है और इस टेबल में कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो तीन रो हैं और चार कॉलम हैं, तीन रो हैं और चार कॉलम हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये बीच वाले में दो, ऐसे तीन रो कर दिए और दो कॉलम कर दिए, तो ये जो किया मैंने एक सिंगल सेल में किया ना ये काम, तो यहां पर जो किया गया विच इज स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ दिया गया, एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल्स में तोड़ा गया। तो जब हम एक सेल को मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्प्लिट कहलाता है, और जब मल्टीपल को एक में कन्वर्ट करते हैं तो वो मर्ज कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चार, यहां पे चार कॉलम होंगे ना, अगर हम देखें तो यहां पे चार कॉलम होंगे, चारों कॉलम को आपस में क्या कर दिया होगा, मर्ज कर दिया गया होगा ऐसे। और यहां पर क्या किया गया है कि एक सिंगल सेल था उसको तीन रो और दो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया, इसे कहते हैं हम स्प्लिट। अब नीचे देखिए यहां पर दिखाया गया है कौन मर्ज है और कौन स्प्लिट है, तो आप यहां पर जो देख रहे हैं ये क्या है, मर्ज, ये सेल मर्ज हुआ है। और ये सेल देखो यहां पर ऊपर भी एक ही सेल है तो नीचे भी एक ही होना चाहिए था ना, अगर ऊपर में ये सेल है तो नीचे भी सेम होना चाहिए था, लेकिन नीचे वाले में क्या कर दिया गया है, ऐसे तोड़ दिया गया है, तो इसे कहते हैं स्प्लिट। तो जरूरत पड़ती है काम के दौरान, कई बार हमें मर्ज करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाने चलते हैं प्रैक्टिकली। दो तीन तरीके से टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ना कोई भी फॉर्मेट आपको मिले तो आपको क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए उसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, रो की ना भी देखे तो कॉलम जरूर देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉलम चौड़ाई है, नीचे तो हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि एक दो तीन चार पांच छह, टोटल कितने कॉलम, कितने कॉलम है, छह कॉलम। तो बस आपको क्या करना है, छह बाई दस का ले लेना है। अब इंसर्ट में गए, कर्जर शुरू में है हमारा, आप चाहे तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कर्जर जो है आप अगर पेज को देखेंगे तो मार्जिन बिल्कुल ही नहीं छोड़ी गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि रूलर को पकड़ के थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, रूलर को पकड़ के कर्जर आपका ऊपर चला जाएगा। क्लिक करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो क्लिक करने पे हेडर खुल जाता है, ठीक है। चलो तो यहां तक तो हो गया, आप गए हम कहां पर, टेबल के अंदर। यहां पर आपको कितना लेना है, छह कॉलम लेने हैं और नीचे जितना हो जाए उतना ले लीजिए, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ऊपर देखिए क्या लिख रहा है, 6 × 7 लिख रहा है ना, मतलब 6 कॉलम और 7 रो हो गए हैं। अगर हम इसमें जाते हैं इंसर्ट टेबल में तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें 6 लेने हैं, नंबर ऑफ रो तो हमने कहा कि 10 या 20 जितना मन कर, कितना जल्दी भाग गया, 10 कर दिया, एंड देन ओके टेबल बन के आ गया। अब टेबल बन के आने के बाद अगर आपको लगे कि रो थोड़ा पतला है तो एक ही बार में सबको चौड़ा करिएगा, यहाँ कॉर्नर पे एक बटन है, इस बटन को पकड़ के जब आप नीचे की तरफ खींचिएगा, इवन आप राइट भी खींच सकते हैं इसको इधर बराबर करने के लिए, तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप इधर भी कर दीजिए, अभी ही कर लीजिए, बाद में करिएगा तो दिक्कत करेगा। अभी हमने क्या किया, चारों साइड इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब ऊपर से काउंट करिए कितने नंबर रो में लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 पांचवें रो में लिखा हुआ है सीरियल नंबर, तो आप यहां से 2 3 4 पांचवें में आ गए और यहां पे लिख दिया सीरियल नंबर, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं वो देखना, सीरियल नंबर, ठीक है। हाँ तो ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, यहां पे लिखा गया। उसके बाद अगले में चले गए, अगले में लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इनवॉइस नंबर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, नीचे जा रहा है जाने दीजिए। उसके बाद में लिखा है टाइम इन टाइम आउट, तो इसमें लिख देना है आपको टाइम इन
और इसमें लिख देना है टाइम आउट, और उसके बाद में लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर स्टूडेंट्स सिग्नेचर, ठीक है। तो इतना तो लिख दिया, अब यहां पर करना क्या है कि आप देखो सीरियल नंबर को इतना स्पेस देना सही नहीं रहेगा, तो आपको पकड़ना है यहां बीच से और इस कॉलन को इधर घसका देना है, ठीक है, इतना सही है। फिर इनवॉइस नंबर के लिए ज्यादा हो गया तो इसको भी आपको क्या करना है, यहां लाकर सेट कर देना है, इनवॉइस नंबर इतने में इनफ होगा। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, ये ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा कम करेंगे, ज्यादा हो रहा है तो इसको इतना पे फिट करते हैं। फिर यहां पर टाइम इन टाइम आउट के लिए बराबर स्पेस रखना है, तो वो बाद में करेंगे, पहले इसको सेट कर लेते हैं कितना रखना है, इतना हो गया। एंड बाकी हिस्सा हम किसको दे देंगे, सिग्नेचर को, ठीक है। तो स्टूडेंट सिग्नेचर देख लीजिए इतना में हो जाएगा, मैंने वापस इसको थोड़ा इधर किया, फिर यहां नेम के लिए थोड़ा और जगह दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये टाइम इन और टाइम आउट बराबर है कि नहीं उसके लिए क्या करना है ना, कि यहां से पूरा सेलेक्ट कर लेना है दोनों को, टाइम इन और टाइम आउट वाले कॉलम को, और लेआउट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का, ये दोनों को बराबर कर देता है। सपोज आपने अगर इसको ऐसे कर रखा होता, ऐसे, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका यूज आएगा, तो एक ज्यादा चौड़ा है एक ज्यादा पतला है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये था। अभी देखो यहां पर ये जो लिखा है, मैं सोच रहा हूं कि ये बीचों बीच लिखे ना, जैसे ये नेम ऑफ ए स्टूडेंट वहां कॉर्नर में क्यों लिखा है, बीच में लिखे, तो लेआउट में ही आपको ये अलाइंस दिख रहे हैं, अलाइन टॉप लेफ्ट ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है इसमें से सेंटर चुनना है, इससे क्या होगा कि लिखा हुआ चीज जो भी है सेल के सेंटर में आ जाएगा, क्लियर है इतना। उसके अलावा आपको लगे कि ये बोल्ड करना चाहिए तो कर दीजिए, मिनी टूल बार खुल रहा है यहीं से बोल्ड कर दीजिए, फिर ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अभी क्या हुआ, इनवॉइस नंबर थोड़ा छोटा पड़ गया, कम किया, सीरियल नंबर को भी थोड़ा सा बहुत आराम से यहाँ पे क्लिक करना होगा, जब तक ये कर्जर चेंज ना हो तब तक नहीं। चलो इनवॉइस नंबर हो गया, सब कुछ ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको मिलाना पड़ता है। अब बताइए क्लियर है इतना, तो यहां लिख लिया। अब इसके ऊपर की चीजें जो हैं वो मर्ज करके लिखी गई हैं, जैसे ये इस सेल को सेलेक्ट किया और टेबल डिजाइन, सॉरी टेबल लेआउट में ही गए, लेआउट में यहाँ पे आपको लिखा होगा मर्ज सेल्स, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और फिर यहाँ पे करिए मर्ज सेल्स, तो दोनों तरीके हैं। चलो मर्ज कर दिया। फिर लिखने का जो तरीका है वो है लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो मतलब ये वाला अलाइनमेंट सही रहेगा लिखने के लिए, अलाइन सेंटर लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड डे, डेट एंड डे, ठीक है। फिर ऊपर वाला मर्ज करते हैं, उसके बाद तो ऊपर वाला मर्ज कर रहे हैं, पहली चीज तो मर्ज हो गई, दूसरी चीज सेंटर कर लेंगे लिखने के लिए, यहां से सेंटर कर लिया। अब लिखा है स्टूडेंट लैब अटेंडेंस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा चेंजिंग अभी कर लीजिए, बोल्ड लिखने का जो स्टाइल है वो एरियल ब्लैक नहीं है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लाइक बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसको मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद सेंटर में ही लिखना है, तो सेंटर वाला अलाइनमेंट ले लिया और लिखा हुआ है सेंटर नेम, लिखा गया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट, थोड़ा सा बड़ा, अच्छा लिखने का जो स्टाइल है वो है टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ से आप ले लेंगे इसका टाइम्स न्यू रोमन, देन यहाँ पे बड़ा करेंगे, फिर आप चाहें तो बोल्ड, नहीं है बोल्ड, वैसे बोल्ड नहीं है, कर लीजिए कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद में इसको किया मर्ज, मर्ज करने के बाद सेंटर, सेंटर करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है विद अ टेक, तो आपने लिखना स्टार्ट किया W कैपिटल स्मॉल I Z A R D, और ठीक है। अब देखो इसको लिखने का स्टाइल जो है वो कौन सा है, वो है एरियल ब्लैक, इसको लिखने का जो स्टाइल है वो है एरियल ब्लैक, और उसके बाद में इसका जो साइज है वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ तक,
ठीक है। उसके बाद में एक चीज है जो कि आई है, आई में थोड़ी सी चेंज की गई है, आई को टाइम्स न्यू रोमन बनाया गया है, बोल्ड रखा गया है, ठीक है। पहली चीज ये की गई है, दूसरी चीज इसको रखा गया है ब्लू एंड आई को रखा गया है रेड। तो केवल आई को सेलेक्ट करके ठीक है, इस तरीके से ये बन गया कंप्लीट। तो मैंने कैसे बनाया, पहले नीचे से बनाया ताकि इसको इधर उधर मिलाने में आसानी हो। पहले मैंने ये वाला लाइन बनाया ताकि मेरा टेबल जो है वो सही से पहले एडजस्ट हो जाए, उसके बाद बाकी मर्ज कर करके लिख दिया। कुछ लोग पहले भी मर्ज करके लिख सकते हैं लेकिन पहले मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पहले नीचे का बेस बना लेता हूँ उसके बाद में उसके ऊपर जो भी बनाना है वो बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो बन गया, लेकिन क्या ये पूरे पेज में है? नहीं है। तो पूरे पेज में नहीं है तो इसके नीचे चाहिए ना हमें, तो कई सारे तरीके हैं। जैसे लेआउट में आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट बिलो, इसके नीचे इंसर्ट करें, तो देखिए इसके नीचे इंसर्ट होते जा रहा है, और इंसर्ट अबव करेंगे तो इसके ऊपर में इंसर्ट होते जाएगा, देख रहे हैं ऊपर में चीजें इंसर्ट होती जा रही है। या फिर यहाँ लास्ट में आके टैब बटन को दबाए रखिए, ये देखिए ये अपने आप क्या होते जा रहा है, लास्ट में आया कर्जर, अब आगे जगह नहीं है तो फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे पूरा कर लेना। ये अगले पेज पर चला गया ना, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ खींचेंगे। चलो यहां तक की चीजें तो हो गई, हो गया, तो ऐसे मैनेज कर लिया हमने। नीचे में लेकिन लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ लैब इंचार्ज, तो इसमें से हम क्या करते हैं दो ठो मर्ज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा चौड़ा भी चाहिए। दोनों को सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, मर्ज किया, और लिखा हुआ है नीचे राइट साइड में, तो ये वाला है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बस अब इस पे लाइनिंग है तो वो चीज सेप का है, समझ गए पूरा कैसे बना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको बनाने के लिए। पहले मैंने जिस तरीके से बताया कि पांच लाइन, पांचवे लाइन में इसको लिख लेना है, एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद मर्ज कर करके चीजें लिखते जानी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे इंसर्ट करके कंप्लीट कर लेना है। तो एक तो ये बनाना है, दूसरा इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड क्या है तो वो मैं कर देता हूँ कंट्रोल एन, एक नया पेज ले लेता हूँ। और पहले ना हम पेज की मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन क्या, जैसे ऊपर कितना, तो ऊपर कम जगह छोड़ेगा इतना, और मैं क्या करता हूँ कि जो टेबल अभी मैंने बनाया थोड़ी देर पहले वही टेबल यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक करके क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। लेकिन दोनों में सेम क्यों, क्योंकि लेआउट लगभग दोनों का सेम है, ठीक है, अगर ज्यादा लगे तो एक कम कर देना, अब ध्यान देना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऊपर तो सब में सेम चीज लिखा हुआ है, बस यहाँ क्या करना है, सीरियल नंबर ठीक है, इनवॉइस ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है, इसको थोड़ा कम कर देना है, नेम ऑफ स्टूडेंट को थोड़ा, दो मुंह वाला तीर बनेगा तभी, डन। अब यहां पर ना इन सबको मिटा दीजिए और इसे बांटना है लगभग 16 हिस्सों में, ठीक है, 15 हिस्सों में, ज्यादा नहीं, 16 नहीं, 15। थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। एंड अब थोड़ी सी जगह मुझे और चाहिए इसमें, तो सीरियल नंबर को और कम कर दिया, इनवॉइस वो डबल लाइन जा रहा है वो ठीक है, इनवॉइस नंबर को और कम कर दिया और नेम को थोड़ा और कम कर दिया, ठीक है। फिर ये लास्ट वाले को क्या कर दिया, लास्ट में और शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें लिख दिया रिमार्क्स, रिमार्क्स सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो कंडीशनल फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, दोनों में अगर सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं,
इसको पहले मर्ज कर लिया, मर्ज करके लिख दिया, चाहे मर्ज मत करो रहने दो, हाँ दोनों को सेलेक्ट किया यहां तक पूरा। अब ये क्या हो गया, बाहर तक सेलेक्ट हो गया, थोड़ा मैं छोटा कर लूं पहले, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया यहां तक, ठीक है। अब मुझे इसमें टोटल 16 लाइन चाहिए या 15 लाइन ले लेते हैं, 16 नहीं 15 लाइन चाहिए, 15 कॉलम चाहिए इसमें। तो एक ही तरीका है इसका स्प्लिट करना, मर्ज तो समझ गए, एक ही तरीका है कि इसको स्प्लिट कर दिया जाए। तो स्प्लिट में गए तो पूछ रहा है कितने कॉलम चाहिए, हमने कहा 16, और रो कितने चाहिए, तो रो अभी भी 23 ही है, जो सिलेक्टेड रो है वो 23 है, तो 23 का 23 ही रहने देंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 16 नहीं 15 कर देते हैं, 15, ओके ठीक है। तो एक ही बार में ये क्या हो गया, 15 कॉलम और 23 रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, हम करेंगे इसमें 1 लिखेंगे, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से क्या कर देंगे, सब में काउंटिंग लिख देंगे, हो गया। ये भी एक अटेंडेंस का टाइप ही है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का अटेंडेंस ही है। तो इतने छोटे छोटे देखकर ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में हम कितने 15, 16, 17, 18, 19 ले लेंगे, तब फिर वो मैनेज करते रह जाइएगा, होगा ही नहीं मैनेज। तो मैंने क्या किया, उतना ही लिया, मैंने इसको एक ही माना, ये पूरे हिस्से को क्या माना, एक कॉलम, और एक कॉलम मान के बनाया तो आराम से एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने के बाद सेलेक्ट करके स्प्लिट कर दिया 15 कॉलम में, एक कॉलम को 15 कॉलम में तोड़ दिया, बस। तो ये चीज था इतना, ठीक है, पहले इतना ही करेंगे, उसके बाद में आगे कोई चीज दूंगा। तो अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप ये कहेंगे कि बन जाना चाहिए, लेकिन इसमें पेज की ओरिएंटेशन चेंज है, ठीक है, पेज की ओरिएंटेशन आपको चेंज मिलेगी। इसका मतलब है कि इस बार इसको बनाने के लिए अगर आपको पेज लेना पड़ेगा तो फिर आपको लेआउट से जाकर पेज की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करना होगा, और उसके बाद तब आप इसको बना सकते हैं। तो कल कोशिश करेंगे इसको बनाने की। टेबल समझ में आया, बाकी चीजें जो नहीं समझ में आई वो मैं बताऊंगा। अब जैसे इसी में है, ठीक है, ये तो हो गया, किसी में कलर वलर डालना होगा तो सब कुछ जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, टेबल डिजाइन में गए, यहाँ पे सेटिंग है, होम टैब में भी सेटिंग है, वहां से भी कलर डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, खाली बनाना है।